हेलो वन एंड ऑल, दिस इज साक्षी अरोरा ऑन द चैनल द सोशल इंडियन। आज पिछली वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पांस आया। हमने लीगल न्यूज स्टार्ट किया, हमने फंडामेंटल राइट और कोविड-19 की बात की। इस वीडियो में भी हम कोविड-19 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करेंगे, द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। जैसा कि पता लग रहा है 1897 को में ये एक्ट आया और ये एक्ट बहुत पुराना है, 118 साल पुराना है और फिर भी इसकी इतनी वैल्यू है, एक शताब्दी पुराना ये एक्ट। और 1897 ये भी क्लियरली पता लग रहा है कि ये तब का बना हुआ एक्ट है जब इंडिया एक कॉलोनी था, जब हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर रूल कर रही थी। तो ये एक्ट उस वक्त का है, बहुत पुराना एक्ट है। तो आज कैसे ये रेलेवेंस है, कैसे इसका यूज हुआ, कैसे इन्वोक किया गया, इन सब पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगी कि एक्ट कब आया, क्यों आया और कैसे आया। 1897 में आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई, क्योंकि उस वक्त हम कॉलोनी थे तो इंडियन गवर्नमेंट सोवरेन नहीं थी, कॉलोनी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये उस एरा में, उस पीरियड में ये एक्ट आया। उस टाइम प्लेग एक बीमारी जो चूहों से फैलती थी, उस टाइम वो बीमारी आई और तब जरूरत लगी इस एक्ट की कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की। और जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट कहीं पर भी अपना पावर ऐसे यूज नहीं कर सकती, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक्ट के अंदर जब गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है बाय सच स्टैट्यूज तभी गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर लीडर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया या राष्ट्रपति बन गया इस देश में तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। हमारा जो सिस्टम है वो, जो मेन पावर है वो इस रिटन डॉक्यूमेंट में चलती है। तो उस वक्त भी यही हुआ, प्लेग आया, प्लेग को रोकने के लिए को जरूर डिसीजन लेने बहुत जरूरी थे। तो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ कॉलोनियल इंडिया, गवर्नर जनरल जो उस टाइम के हेड थे, सुप्रीम, मतलब जो उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जो एक टॉप पोस्ट पर थे वो, तो उनको एम्पावर किया गया कुछ भी ऐसे डिसीजन लेने से जो जरूरी हो लोकल अथॉरिटीज में, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर वो जरूरी हो इम्प्लीमेंट करने, ताकि उस डिजीज को, पर्टिकुलर डिजीज को रोका जाए। उस वक्त प्लेग का जो आउटब्रेक हुआ था वो मेनली हुआ था बॉम्बे में, जो आज की डेट में, आज भी अगर आप देखें तो शायद वहीं पर ज्यादा, सबसे ज्यादा केस, एटलीस्ट आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी तक सबसे ज्यादा केस भी हमारे उसी एरिया में है, महाराष्ट्र मुंबई में है। तब भी प्लेग का आउटब्रेक, जो प्लेग का आउटब्रेक बॉम्बे स्टेट में ही हुआ था, जो उस टाइम पर बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो ये एक्ट ने एम्पावर किया कि किसी भी तरह के डिसीजंस, कि किसी को प्रोहिबिट करना है या कुछ सेरिगेशन करना है, कुछ भी करना है वो गवर्नमेंट कर सकती है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज एपिडेमिक। इस एक्ट की एक और खास बात क्या है कि ये बहुत छोटा एक्ट है, शॉर्टेस्ट एक्ट मेरी नॉलेज में अब तक जो है वो ये है। इसमें केवल 4 सेक्शन है, वैसे देखें तो 5 है क्योंकि 2A भी आ जाता है, पर नंबर ऑफ सेक्शन 4 बोले जाएंगे। तो फर्स्ट सेक्शन क्या बात करता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। टाइटल हमें पता है द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, एक्सटेंट हमें पता है इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद स्पेशल मेजर्स, सेक्शन 2 क्या बात करता है, सेक्शन 2 हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, पर सेक्शन 2 जो है एम्पावर, जो मेन पावर दी गई है सेक्शन 2 में दी गई है कुछ भी डिसीजंस लेने की, ताकि जो डिजीज है, जो एपिडेमिक है, जो डिजीज है उसको फैलने से रोका जा सके। 2A में पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे डिसीजन ले सकती है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। तो इस यही एक एक्ट दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, दोनों लेवल पर एम्पावर कर रहा है, यही दोनों को ये लिबर्टी दे रहा है डिसीजंस लेने की। इंडिया में हमने अभी रिसेंट जो कोरोना में भी देखा कि कुछ जगह स्टेट ने ये कॉल लिया कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, बाद में सेंटर का कॉल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया कि पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, उसके बाद स्टेट का जो है वो कोई स्टेट अगर नहीं भी चाह रहा है तो वहां पर भी है, अगर कोई स्टेट का हेड नहीं चाह रहा है लॉकडाउन या अभी उन्हें लग रहा नहीं है पर वहां पर भी लग चुका है, क्योंकि वो सेंटर का डिसीजन आ गया। हमें सबको पता है कि जब बात सेंटर वर्सेस स्टेट की होती है तो सेंटर प्रिवेल करता है, अनटिल एंड अनलेस कोई रीजनेबल, बहुत ही कुछ ऐसा ना हो कि स्टेट उसमें प्रिवेल करे, तो जनरली सेंटर प्रिवेल करता है जैसे कि यहाँ पर भी हुआ। सेक्शन 3 क्या बात करता है, पेनल्टी की बात करता है। पेनल्टी की क्या बात करता है, ये
सेक्शन 3 में पेनल्टी बोली गई है कि इसको ऑफेंस माना जाएगा और इसको ऑफेंस की तरह उसकी पनिशमेंट भी होगी। पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट वो होगी जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 188 में दी गई है। ये एक्ट में पनिशमेंट नहीं दी गई है, एक्ट में कहा गया है कि पनिशमेंट होगी और वो किसके अकॉर्डिंग होगी? 188 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग होगी। 188 ऑफ आईपीसी क्या है ये हम एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, सोशल इंडियन पर ही आदित्य यादव की वीडियो में ये एक्सप्लेन हो चुका है 188 क्या है। उसमें पेनल्टीज की बात की गई है, क्या पेनल्टीज है वो सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नहीं तो आप पढ़ भी सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अगला है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? वो प्रोटेक्शन देता है उन लोगों को जो इस एक्ट के अंडर काम कर रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कोविड-19 की सिचुएशन में, तो जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है, कुछ ऐसे स्टेप ले रहे हैं जो जैसे मैंने कल कहा ये वॉलंटियर फंडामेंटल राइट हो सकता है, पर क्योंकि वो इसको रोकने के लिए है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट भी किया गया है तो इस डिजीज को रोकने के लिए है, और डिजीज को रोकने के लिए अगर वो किया गया तो ये एक्ट उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको वॉयलेशन नहीं माना गया है। इसके बाद रीसेंट यूज ऑफ द एक्ट, रीसेंट रियूज कहाँ कहाँ पर इस एक्ट को इन्वोक किया गया, यूज किया गया। बहुत रूटीन नहीं, रूटीनली नहीं है ये एक्ट, ऐसा नहीं है जरूर बीमारियां आती है, बट हाँ कुछ जगह स्वाइन फ्लू, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगी, इन सब के लिए इसको यूज किया गया। 2018 में इसको इन्वोक किया गया गुजरात में जब कॉलेरा बहुत ज्यादा फैल गया था, या फिर चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो इस एक्ट के अंदर आए। सिर्फ लॉकडाउन करना या लोगों को सीमित कर देना ही नहीं, कोई भी नेसेसरी मेजर्स, कोई भी जरूरी डिसीजन जो लेना है गवर्नमेंट को ताकि वो बीमारी रोक सके, वो उसमें अलाउड है। अब उसमें कुछ खाने पर रिस्ट्रिक्शन, पीने पर रिस्ट्रिक्शन, हमें घर से बाहर निकलने पर रिस्ट्रिक्शन, मास्क पहनना कंपलसरी करना, वो हर तरीके के जरूरी तरीके आ जाते हैं जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी तरह से प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग वो नेसेसरी है उस बीमारी को रोकने के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत रीसेंट जो इसका यूज हुआ है, जिसके लिए वीडियो भी बन रही है, वो है कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो इतना बड़ा लॉकडाउन लग गया है इंडिया में, और मास्क पहनना कुछ कंपलसरी कर दिया है, बिना मास्क के अगर आप बाहर निकले तो आपसे फाइन इम्पोज कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि आप सामान खरीदे मत जाइए, हो सके तो काफी प्लेटफॉर्म आए जो डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो सब चल ही रहा है। इसके अलावा ये अब मैं सेक्शन 2 पे अगर डिस्क्राइब करूँ तो वो ये है कि सेक्शन 2 जो मैंने बोला था कि वो पावर दे रहा है, वो क्या पावर दे रहा है गवर्नमेंट को स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पे, कि किसी भी तरह की कोई भी डेंजरस एपिडेमिक डिजीज का आउटब्रेक होता है तो वो कोई भी नोटिस और नोटिस के द्वारा या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के द्वारा जो ऐसे स्टेप है वो ले सकती है, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए रेगुलेशंस बना सकती है। टेम्परेरी जैसे कि अब लॉकडाउन हमारा हमेशा तो नहीं है, पहले 21 दिन के लिए था, 19 दिन के लिए, तो ये टेम्परेरी रेगुलेशंस है, ये हमें फॉलो लाइफ टाइम नहीं करने होंगे। टेम्परेरी रेगुलेशंस का मतलब ये हो जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो फॉलो करना है ताकि उसको रोका जा सके, ठीक है, जो लगे कि सही है वो गवर्नमेंट ले सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन में खत्म करूं तो गवर्नमेंट उस बीमारी को रोकने के लिए किसी भी तरह का स्टेप ले सकती है, आप पे कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि ये एक्ट डेंजरस एपिडेमिक डिजीज इस वर्ड को डिस्क्राइब नहीं करता है, डेफिनेशन क्लॉज नहीं है इस एक्ट में, कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं किया गया है, इसको एक इंटरप्रिटेशन पर छोड़ दिया गया है, और शायद ये कभी क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं आया, कभी गवर्नमेंट बियॉन्ड दी लिमिट नहीं ऐसा किया कि क्वेश्चन में आए, तो इसलिए ये एक्ट में डिफाइन नहीं है। हो सकता है कोरोना ने बहुत सारे एक्शन ऐसे लिए ये क्वेश्चन में आए, बहुत कुछ हो आने वाले टाइम में, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस लेजिस्लेशन में चेंजेस आए, अमेंडमेंट्स आए, जुडिशियल रिव्यूज आए, बट अभी के लिए ये वर्ड डिफाइंड नहीं है, और ये पावर गवर्नमेंट के पास है कि वो किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकती है। वो रिस्ट्रिक्शन ट्रैवलिंग के लिए हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है, और अगर उनका हम डिसोबेंस करते हैं जैसे मास्क नहीं पहन के जाएंगे तो उन हमें गवर्नमेंट ने पेनल्टी इम्पोज कर दी है कि आपको फाइन लग जाएगा, ये आ चुका है, ठीक है। तो और भी इस तरह के डिसीजंस या विद मतलब विद पनिशमेंट दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस, जो गवर्नमेंट ने किसी भी एपिडेमिक को रोकने के लिए
डिसीजंस लिए हैं, अगर हम उनको वॉयलेट करते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसके लिए हमें पेनल्टी इन फॉर्म ऑफ जेल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और मे बी फाइन इन रुपीज वो पे करना होगा एज प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा जो जरूरी प्रोविजन आईपीसी के इन्वोक होते हैं, एक मैंने बताया पेनल्टी के लिए 188 है, दूसरा 269 है, 270 है और 271 है। ये प्रोविजंस जो मेन यूज होते हैं जो रिलेट करते हैं ऐसी सिचुएशन से। ये सारे प्रोविजंस मैंने ब्रीफ में यहाँ पर आपको स्लाइड में दे दिए हैं, डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो बन चुकी है, आप देख लीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम ऑन मैसेजेस, प्लीज कॉल एनी टाइम नहीं चलता है, बट हाँ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की कि आपको पूरा इस एक्ट के बारे में समझाया, इसकी रेलेवेंस, ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो मुझे लाइक, नंबर ऑफ लाइक से पता लग जाना चाहिए कि आपको ये कितनी अच्छी लगी। और कमेंट तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप करेंगे ही। अगर आपको किसी तरह का कोई सजेशन, कोई देना है, कोई डाउट है किसी भी तरह का, शेयर कीजिए इस वीडियो को, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आने वाले कुछ एग्जाम्स में ये आएगा, तो शेयर जरूर कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि वहां पर हम आपको नोटिफाई करते रहते हैं इम्पोर्टेंट कुछ भी रेगुलेशन आ रहा है, वीडियोस हमारी आती हैं, स्टडी मटेरियल हम आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द सोशल इंडियन ट्यूटोरियल्स।